नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है पुतली तमाशा। कॉलम निगार हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। मरी में होने वाला सानेहा हुकूमत की कई सतहों पर बयक वक्त नाकामियों का नतीजा है। इंतजामिया ना सिर्फ नमक और बर्फ साफ करने का सामान सही जगहों पर रखने में नाकाम रही बल्कि ट्रैफिक के बहाव को मुनज्जम करने या ज्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिल होने से रोकने में भी नाकाम रही या लोगों को उनकी गाड़ियों से निकालकर करीबी घरों होटलों और फौजी तंसीबात में जाने का हुक्म देने में भी नाकाम रही। लेकिन मुतवक्का तौर पर और हमेशा की तरह इस हुकूमत और वजीर आजम ने मुतासरीन पर इंतहाई संगदिल और नारवा अंदाज में इल्ज़ाम लगाया। ये PTI का अंदाज है, बड़ी बड़ी बातें करना, डिलीवर करने में नाकाम रहना और फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। मरी पहला सानेहा नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी हो। अक्टूबर 2019 में रेलवे में आग लगने का हादसा हुआ था जिसमें 74 अफराद जान बहक हुए थे। शेख रशीद ने गैस सिलेंडर ले जाने की वजह से जान की बाजी हारने वाले मुसाफिरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वही आग लगने की वजह बने। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। शेख रशीद के दौर में रेलवे की तारीख में सबसे ज्यादा हादसात हुए जिनमें जानलेवा हादसात भी शामिल हैं, लेकिन वो वजारत में उस वक्त तक बरकरार रहे जब तक कि उन्हें वजारत दाखिला में तरक्की नहीं दी गई। ये उन खुतबात के बिल्कुल बरक्स है जो इस वक्त के अपोजिशन लीडर और अब वजीर आजम वज़रा की जिम्मेदारी लेने के बारे में देते थे। जब PTI हुकूमत में आई तो पाकिस्तान गंदम और चीनी बरामद कर रहा था, आज ये दोनों चीजें दरामद कर रहा है। PTI की हुकूमत 48 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी बरामद करने और चंद माह बाद इससे दुगनी कीमत पर दरामद करने का रिकॉर्ड रखती है। गुज़श्ता साल हुकूमत का दावा है कि हमने 27 मिलियन टन गंदम पैदा की जो हमारी जरूरत से ज्यादा है, इसके बावजूद कीमतें बढ़ती रहीं और हमारे वजीर बराए फूड सिक्योरिटी ने कहा कि वो नहीं जानते कि गंदम कहाँ गई। यकीनन हम जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को गंदम इस्तेमाल करने की खसूसी इजाज़त दी थी और इसे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में भी स्मगल किया जाता था। अटक में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का ओहदा पंजाब में सबसे महंगा है। PTI के इक्तदार में आने के साल पाकिस्तान में कपास की तकरीबन 11 मिलियन गांठों की पैदावार हुई। पिछले साल इसने तकरीबन 5.5 अरब गांठें पैदा की जो 1983-84 के बाद सबसे कम है। इस सीजन में हमारी जरई पैदावार कैसी होगी इसका अंदाजा यूरिया की खरीद, किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के लिए लंबी कतारों से लगाया जा सकता है। चंद माह कबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यूरिया बरामद करने की इजाज़त मांग रही थी, ताहम हुकूमत ने उन्हें गैस की सप्लाई कम कर दी और ईरान और अफगानिस्तान को सब्सिडी वाली यूरिया की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग को रोकने की जहमत तक गवारा नहीं की। अब इसी यूरिया को स्मगल की गई कीमत से 3 गुना कीमत पर दरामद करने पर मजबूर हैं। यह हुकूमत है या पुतली का तमाशा? खान बुज़दार की जानिब से पंजाब की बागडोर संभालने के बाद महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के 13 और महकमा स्कूल एजुकेशन के 8 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। 3 साल में खान बुज़दार इंतजामिया ने चूना पत्थर की कानकनी और सीमेंट प्लांट्स के 16 लाइसेंस जारी किए हैं। कयास आराया है कि लाइसेंस देकर चंद मखसूस अफराद को नवाजा गया है, लेकिन कोई भी माहिर नहीं समझता कि 3 से ज्यादा लाइसेंस जारी करना माहौलियात के लिहाज से दानिशमंदी है। हमारी मईशत की सेहत को नापने के लिए बहुत से अदादो शुमार मौजूद हैं। GDP की नमू, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बजट खसारे, कर्जे, टैक्स वसूल, करंट अकाउंट खसारा जो कि तिजारती खसारा माइनस तरसीलात जर है, गैर मुल्की जखायर और शरह मुबादला में शरह सूद वगैरह, तकरीबन इन तमाम शोबों में PTI ने PMLN से बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई है। एक शोबा जो इसने बेहतर किया वो तिजारत और करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करना था। इस तरह ये वाहिद अदादो शुमार हैं जिनको PTI के वज़रा ने कोई वजन दिया। इनके लिए सुकड़ती हुई GDP या बढ़ती हुई महंगाई
غربت یا بیروزگاری نہیں صرف اہم شعبے کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے تھے۔ اب رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں تجارتی خسارہ گزشتہ سال کے اسی مدت کے تجارتی خسارے سے 44% زیادہ ہے۔ جب سٹیٹ بینک پہلے 6 ماہ کے لیے سی اے ڈی شائع کرے گا تو یہ تعداد بھی ہمارے گزشتہ سال کے اسی مدت کے مقابلے زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اب پی ٹی آئی نے جس کارنامے کا ذکر کیا تھا وہ بھی اپنی نااہلی کے سمندر میں غائب ہو گیا ہے۔ بیانیہ اور صرف بیانیہ ہی پر یہ حکومت یقین رکھتی ہے۔ مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے حکومت نے ایک بیانیہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی گردشی قرض ختم کرنے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھا رہی ہے۔ اس کے باوجود بجلی کے نرخوں میں 2 گنا اضافے کے بعد گردشی قرض بھی 2 گنا ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی اب کہتی ہے نرخ بڑھ رہے ہیں کیونکہ اسے مقررہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی نے واقعی کوئی مقررہ لاگت ادا نہیں کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے گنجائش چارجز کے لیے ادا کی گئی رقم سے زیادہ گردشی قرضہ بڑھا دیا ہے۔ تو پھر یہ ٹیرف کیوں بڑھا رہی ہے؟ کیونکہ اس نے پاور سیکٹر ٹی این ڈی نقصانات اور وصول کے انتظام کو بدتر بنا دیا ہے، میرٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے مہنگا فرنس آئل استعمال کیا ہے۔ یہ حکومت 3 سال سے پرائیویٹ سیکٹر میں ایل این جی ٹرمینل لگانے کا وعدہ کر رہی ہے، اب اس نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے اور وزارت توانائی کی 3 کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ وزارت سمندری امور کی ہدایت پر ٹرمینل قائم کریں۔ وزارتوں کا یہ ملاپ یقیناً نااہلی اور کرپشن کا بندھن ہے۔ حکومت نے سستی گیس کی تلاش میں ایل این جی کو $4 میں دینے سے انکار کر دیا اور اسے $30 میں خرید لیا۔ صاحب مضمون سابق وزیر خزانہ محصولات اور اقتصادی امور ہیں۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔